एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिटू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत हो चुकी है खाने से आज। तो देख सकते थे आप लोग कि खाना में क्या क्या बनाया है। तो आज मेरा ना थोड़ा सा कुकर में हाथ थोड़ा सा लग गया था, तो हाथ थोड़ा सा देखते तो फूल चुका है। तो मैं ना इसमें ना कोलगेट लगा रही थी। कोलगेट से ना बहुत राहत हो जाता है, जब जलन उलन रहता है, जलता उलता है ना हाथ, तो कोलगेट से बहुत ज्यादा राहत हो जाता है। तो मैं फिर खाना पीना खाई, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बर्तन कर लूंगी, उसके बाद एक ही बार नहाने जाऊंगी। तो सारा बर्तन जितना भी जूठा था सारा मैंने धो लिया है। आजकल मैं एक एक करके बर्तन नहीं धो रही हूँ, एक ही बार मतलब एक ही जगह मतलब एक एक करके सारा एक समेट लेती हूँ, एक ही बार में सारा धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब दो चार बर्तन हुआ फिर धो ली, ऐसे मेरा पहले का आदत था। लेकिन अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, परी मतलब ज्यादा अकेले तो रहती नहीं है ना, तो मैं सोचती कि सो जाएगी ना परी, तो एक ही बार सारा बर्तन धोवा धुल जाएगा। और उसके बाद फिर बर्तन तो धोने के बाद मैं नहा धोवा के यहाँ पे आ गई। तो देख सकते हो नहा के मैं आ चुकी थी। तो उसके बाद सारा कुकर उकर जो था ना, कुकर उकर खाली नहीं हुआ था, तो कुकर उकर मैं दाल निकाल के रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि इधर दाल ना खराब हो जाता है आजकल। हो रही है ना कि कोई भी चीज अगर इधर रख दो, अगर दूध भी इधर रख दो तो दूध भी फट जाता है। तो दूध भी गर्म करने के बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैं फ्रिज में ले जाकर रख देती हूँ। और दाल सब्जी जो भी है सारा चीज मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इधर ना कुछ भी रखो तो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो इसी के वजह सारा बर्तन मैं इधर खाली कर दी। और उसके बाद गैस भी थोड़ा सा, गैस पे ना कुछ कुछ गिरा हुआ था, तो गैस पे से मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब झाड़ ली। अभी गैस पोछी उछी नहीं हूँ अच्छी तरीके से, पोछूंगी, लेकिन अभी सिर्फ नहा के आई थी तो मैं सोची पहले बर्तन खाली कर लेती हूँ। और बर्तन खाली करके उसमें पानी डाल के छोड़ देती हूँ ना, तो थोड़ा देर 5-10 मिनट में वो फूल जाता है अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से धुल जाता है, धुलने में मतलब बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, उसको छोड़ाना नहीं पड़ता है। पानी 10 मिनट डाल पहले, मेरा आदत है ऐसे भी, मैं बर्तन धोने के 5-10 मिनट पहले सारा बर्तन रख देती हूँ वॉशिंग में, उसके बाद उसमें पानी डाल के फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद धोती हूँ। उसका सारा बोतल देख सकते हो यहाँ पे, सारा बोतल ऐसी मतलब सारा चुन चुन के मैं ले आई थी सारा भरने के लिए। बोतल बड़ा छोटा बड़ा सा जितना भी बोतल सारा मैंने लिया आया था माजा वाला। सबसे ज्यादा इस बार गर्मी में माजा वाला बोतल हो रहा है, माजा वाला बोतल इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो गया घर में, मतलब बहुत ज्यादा माजा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, छोटा वाला, बहुत मतलब रोज दिन प्रतिदिन एक दो दिन पे माजा आता ही रहता है, खत्म हुआ नहीं कि आ गया, खत्म हुआ नहीं कि आ गया। और परी के लिए, परी के नाना रोज मतलब माजा एक दो दिन पे आता ही रहता है, बड़ा वाला आते ही रहते हैं। और ऐसे माजा मतलब छोटा वाला फ्रूटी तो मतलब अनगिनत हो चुका है, और ये वाला माजा जो है ना ये भी बहुत ज्यादा, इसका बोतल ये तो इतना ही अभी खाली है, तो इतना ही मैं भर रही हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा ये माजा वाला बोतल अभी है डेली। और गर्मी में सबसे ज्यादा माजा ही यूज होता है मेरे घर में, है ना कि स्प्राइट कोई उतना नहीं पीता है, माजा ही सब लोग पीते हैं। सब लोग का है कि माजा ही पसंद है, मम्मी को भी माजा पसंद है, मुझे भी, और फिर परी को भी, सारे लोग को। तो स्प्राइट तो कोई भी नहीं पीता है, इसी की वजह से माजा ज्यादा खपत होता है, स्प्राइट किसी को पसंद ही नहीं है, जलता है हम लोग का, मतलब मेरे तो गर्दन में लगता है, इसलिए मैं माजा मतलब स्प्राइट नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं पसंद है स्प्राइट। तो उसके बाद गाइस फिर मैं आ गई यहाँ पे, देख सकते हो पूरा किचन का हाल क्या है, किचन का दोपहर का हाल। मतलब पापा आए थे तो पापा को कुछ खाने पीने के लिए ले जाके दी थी, और उसके बाद मैं चाय चढ़ाई हुई हूँ, देख सकते हो अपने लिए और पापा के लिए। और यहाँ देख सकते हो तावा हुआ सब ऐसे ही बिखरा हुआ, अभी मैं इसको पूरा समेटूंगी, साफ करूंगी। मैं यहाँ पे इधर ना चाय ढार ली, और फिर तावा ऊपर देख सकते हो अभी चढ़ा हुआ है तावा। मैंने रात वाला जो रोटी था ना उसको फ्राई किया था, उसको उसमें घी लगाई थी, तो तावा ऐसे छूट गया था, तावा इसी है, तावा को भी धोना है। तो सारा मतलब तावा तो रोज मैं रोटी बनाने के बाद धो देती हूँ, ताकि मतलब रोटी अगले दिन अच्छा बने, और नहीं धोती हूँ ना तो थोड़ा सा मतलब मोटा टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा जलता उलता है ना रोटी, हल्का फुल्का अगर जल गया तो वो लग जाता है, उसमें चिपक जाता है, इसकी वजह से रोटी फूलता नहीं है, अच्छा नहीं बनता है। और उसके बाद कढ़ाई में मैगी बनाया था मैंने परी के लिए, तो फिर मैगी भी मैंने खाली कर दिया है, तो मैगी भी परी के लिए, परी क्योंकि परी के लिए भी कुछ कुछ कुछ। तो उसके बाद मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे रेडी हुई थी, तो उसके बाद बाल मैं पूरा समेट करके फोल्ड कर ली, और मेरा वीडियो बनाया हो चुका है। उसके बाद पापा आए थे तो पापा के लिए सत्तू का शरबत बन रहा है, तो गर्मी में ऐसे भी सत्तू का शरबत, नारियल पानी, ये सब पीते रहना चाहिए, पेट ठंडा रखता है, अच्छा रखता है, और गर्मी में फायदेमंद भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं सत्तू का शरबत यहाँ पे घोल रही हूँ किचन में, और परी नाना के पास है। और बीच में ऐसा होता है मतलब कि वीडियो बनाने तो कभी कभी होता है कि हाँ कुछ काम रहा तो वो भी कर लिए, तो मतलब घर में ही है, बाहर तो है नहीं, घर में ही है, तो मतलब लेट से थोड़ा सा आगे हो जाए थोड़ा सा पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बाहर जाके मुझे नहीं काम करना है, घर में ही काम करना है। तो मतलब थोड़ा सा लेट से भी हो तो कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, शाम को भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, या तो सुबह भी बना सकती हूँ, कभी भी बना सकती हूँ, जब मेरा मतलब जब मेरा काम हो जाए, जब मैं फ्री रहूँ तब मैं बना सकती हूँ। और उसके बाद फिर इधर सारा बर्तन वर्तन जो भी मतलब हुआ ना सब थोड़ा बहुत सारा मैंने एक जगह करके समेट लिया था, सब्जी जो मैंने खाली किया था वो सब मैं फूलने के लिए डाल दी थी ना, तब मैं इसको धो लूंगी। मुझे ना
बर्तन धोने टाइम मतलब 3 से 4 बार परी के पास जाना पड़ा। परी ना बार बार मम्मा मम्मा कर रही थी, तो मुझे मतलब परी के पास बार बार दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी 1 गिलास शरबत रख लेती हूँ। मतलब फिर परी को मतलब मैं चुप करा के परी को फोन दे के उसके बाद सारा बर्तन था सारा मैंने धो लिया। और उसके बाद फिर ये जो मतलब कटोरा था जिसमें मैंने शरबत गोला था वो भी मैं खाली कर दूंगी, अपने लिए 1 गिलास में मैंने रख दिया। और मंगलसूत्र मैंने खोल के रख दिया क्योंकि इतना चुभ रहा था ना, इसी की वजह से मैंने खोल दिया है। और अभी गर्दन में भी फुंसी हो चुका है, तो गर्दन में भी लहर मारता है, जलन देता है, इसी की वजह से मैं हटा दी थी मंगलसूत्र। और उसका सारा बोतल उतल सब जो खाली था वो सब मैं भरने के लिए यहाँ पे आ गई। तो अब रात अब 4:30 बज चुका है, शाम हो चुका है, तो मैं कपड़ा वपड़ा चेंज करूंगी। यही ना होता है गाइस कि हम लोग सारा काम जो भी होता है सारा काम मैनेज कर लेते हैं, जो भी हम लोग को लगता है कि ये मुझे करना है, ये करके मुझे मतलब टाइम इसके लिए निकालना है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। इतना भी नहीं है कि हाँ मतलब कि ये काम किए तो वो नहीं, वो काम किए तो वो नहीं। कभी कभी होता है कि मन आलस हो जाता है, कभी कभी करने का मन नहीं रहता, वो अलग बात हो गया। यानी कि हम लोग अगर ना करना चाह ले तो कोई भी काम हम लोग के लिए इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। तो आज का खाना देख सकते हो आप लोग, ढीस बना है और चाय और मैगी, ठीक है। तो आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और ढीस आप लोग किसको किसको पसंद आप लोग जरूर बताना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।